झारखंड के सभी विद्यालयों में हाथ धुलाई दिवस मनाया जा रहा है। हाथ धोने का तरीका, इसका महत्व हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि हाथ हम लोग को कैसे धोना है। तो सबसे पहले हाथ को पानी से धुलाएंगे। धुलाने के बाद हाथ में साबुन लेंगे। साबुन लेकर के आपको जो है पूरा इस तरह से हाथ जो है फिर साबुन यहाँ रख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हाथ को पहले ऐसे ऐसे करके धोएंगे, ठीक है। ऐसे धोने के बाद फिर इधर धोएंगे। इधर धोने के बाद फिर जो है इस तरह से धोएंगे, है ना। उसके बाद फिर इस तरह से धोएंगे। अगर नाखून में गंदगी अगर होगी तो वो भी निकल जाएगा। इस तरह से धोएंगे। धोने के बाद जो है फिर इस तरह से नाखून में जो है हम लोग धोएंगे, है ना। धो करके उसके बाद साफ पानी से हम लोग हाथ को धोएंगे, ठीक है। तो इस तरह से साफ पानी से हाथ धो लिए। तो आप लोग भी साबुन उठाइए, है ना। ऐसा करके आइए, साबुन जो है पहले हाथ गीला कीजिए। हाथ गीला करके और साबुन लगाइए। बहुत अच्छा, ठीक है। और सबको धोने दीजिए, बारी बारी से सभी धोइए। हाथ को जो है पहले ऐसे ऐसे रगड़िए। ऐसे रगड़ने के बाद फिर ऐसे रगड़िए, है ना। उलट करके इस तरह हो गया, नाखून को रगड़िए। इस तरह से रगड़ने के बाद जो है ऐसे ऐसे करके रगड़िए। आप फिर ऐसे ऐसे करके रगड़िए, है ना। रगड़ने के बाद जो है साफ पानी से हाथ धो लीजिए। साफ पानी से हाथ धो लीजिए। अच्छा से सभी धोइए, ठीक है। हाँ ठीक है, साफ पानी से धो लिए सभी। तो हम लोग को क्या करना है, आज नहीं प्रत्येक दिन हम लोग को शौचालय जाने के बाद और खाना खाने के पहले हाथ हमको इसी तरह से प्रत्येक दिन हमको धोना है। प्रत्येक दिन हम इस तरह से हाथ को धोएंगे, ठीक है। तो सभी जाएंगे हाथ धोने के लिए, ठीक है।